हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए गणित यानी मैथ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो यह क्वेश्चन आप लोग के समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जो लेसन है उससे है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। गाइज, ये क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी मस्त क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करें कि 0 और 100 की बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप कैसे कर सकते हो, 0 से 100 तक के बीच की जो विषम संख्या है उनको पहले लिखोगे, उसके बाद एक एक कर जोड़ोगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग का काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए गाइज, समांतर श्रेणी में आप लोग के फार्मूले के अनुसार आसानी से मतलब इसे निकाला जा सकता है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को बताता हूं। और गाइस, इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो उसके बाद 0 से 100 तक बोले, 0 से 1000 तक बोले, 0 से 5000 तक बोले, कितना भी बोले आप आसानी से निकाल लोगे। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, मैं बता दूं, यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क यानी 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां हम हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं 1। देखिए दोस्तों, 1 को तो ऐसे ना सम संख्या में और ना ही विषम संख्या में शामिल करते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों की बुक में देखा इससे भी मतलब शामिल किया हुआ है, तो चलिए मैंने भी शामिल कर लिया। ठीक है, तो 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 .99 हैं। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए 1 है 3 है 4 नहीं है 4, क्योंकि 4 तो सम संख्या हो गई। उसके बाद 5 है 6 नहीं है 7 है, इसी तरह छोड़कर बीच में .. काफ़ी संख्या हैं और अंतिम संख्या 99 है। ठीक है, 0 से 100 तक की बीच की यही संख्याएं हैं जो विषम है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के थ्रू इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो प्रथम पद ए बराबर 1 है। ठीक है दोस्तों, 1 है ना पहला पद। ओके, अंतिम पद क्या है, और अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं, और अंतिम पद हम लोग का 99 है, यहाँ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ लिख देंगे कि अंतिम पद एल बराबर 99। ठीक है, और सार्वांतर को हम किससे प्रसिद्ध करते हैं, डी से प्रसिद्ध करते हैं। और सार्वांतर डी आप लोग जानते हो कि कैसे निकाला जाता है, कोई भी एक समांतर श्रेणी है, देखिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इसमें कोई भी मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में हम किसी भी 2 पदों को लेकर, ठीक है, मतलब मान लीजिए मतलब A1 और A2 2 पद ले लिए, और A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमें सर्वांतर मालूम चलेगा। लाइक देखिए, 5 और 7 हमने ले लिया। ठीक है, इसमें ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। अब A2 में से A1 हम घटाएंगे तो हम लोग का मतलब वही D मालूम हो जाएगा, सर्वांतर मालूम हो गया। तो 7 में से हम 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये हम लोग का D हो गया, सर्वांतर हो गया। कोई भी 2 पद ले, अगर 3, 5 को ले हम तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 बचेगा। बीच में भी कोई 2 पद ले और बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा, उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। तो ये डी बराबर, ये हमेशा क्या होता है कि समांतर श्रेणी में ही ऐसा होता है। ठीक है, कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर्वांतर डी इक्वल टू, चलिए हमने मैं यहाँ 2 पद ले लिया, देखिए यहाँ उल्टा लिख दिया हूँ, मुझे 5 - 3 लिखना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों से बात कर रहा था, ठीक है, उसी में ये क्वेश्चन भी लिख रहा था, सॉल्व कर रहा था, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। यहाँ 5 - 3 करेंगे क्योंकि बड़े पद में से छोटा पद घटाएंगे। ठीक है, तो 5 - 3, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 घटा देंगे, 2 हो जाएगा, ये हम लोग का सर्वांतर हो जाएगा। अब देखिए, देखिए एपी में विषम पदों का पदों की संख्या बराबर, यानी जो ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है इसमें विषम पदों की संख्या कितनी होगी, अब ये हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी देखिए 1, 3, 5, 7 और बीच में भी ये कोई काफ़ी सारी संख्या होंगी और अंत में 99, तो इन संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5 गिनेंगे तो कितनी इनकी संख्या होगी, तो इसको सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सूत्र होता है एस बराबर n/2l+, उस पर रखने के लिए हमको सबसे पहले n का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक फार्मूला यहाँ पे आपको लगेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा अगर नहीं जानते तो। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर, ठीक है, एपी में यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में विषम पदों की संख्या n बराबर, ठीक है, l - a/a+1, ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी मतलब किसी भी समांतर श्रेणी में, ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होता है। क्या होता है, l - a/ ये d होता है। ठीक है, l - a/d+1 ये फार्मूला होता है, पदों की संख्या n बराबर l - a और ये बटा d है। ठीक है, थोड़ा एक टाइप का लग रहा है लेकिन ये d है, सर्वांतर। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का d है। तो पदों की संख्या n बराबर l - a/d+1, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके,
तो चलिए जो जिसका मान है वह हम रख देते हैं। तो फिर यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान हमने ऊपर देखा, यहाँ देखा 99 है तो एल की जगह 99 और माइनस ये ए और ए का मान क्या है 1 है, तो 99 माइनस 1 ठीक है, और बटा ये डी, तो डी का मान कितना है 2 है हमने निकाला, तो बटा ये 2 और ये प्लस 1 का प्लस 1। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा 99 में से एक जाएगा 98 और ये बटा 2 है तो बटा 2 और प्लस 1 ठीक है, 99 से इसमें हम भाग देंगे तो 49 हो जाएगा, यानी एन बराबर 49 और ये प्लस 1 यानी एन बराबर 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग की पदों की संख्या निकल गई, यानी हम देखें तो 0 से 99 तक की मतलब 99 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, 50 विषम संख्याएं होंगी, जो पदों की संख्या यानी वही संख्याओं की मतलब वो संख्या होगी पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या वो 50 होगी। अब देखिए हम योगफल एक फार्मूला होता है यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है, चूँकि पदों का योगफल बराबर ठीक है आप जानते हो एस बराबर, आप लोगों ने इसको मतलब अपनी बुक में एस एन के रूप में पढ़ा होगा ठीक है, एन बाई टू, और आपकी बुक में शायद इस तरह से भी लिखा होगा 1/2 एन कोष्ठ में एल प्लस ए, तो इसको हम एन बाई टू एल प्लस ए इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका एक और फार्मूला होता है ठीक है आप लोग वो भी याद कर लीजिएगा ठीक है। तो एस बराबर एन बाई टू एल प्लस ए पदों का योगफल का फार्मूला होता है ठीक है, प्रथम एन पदों का योगफल ठीक है। तो देखिए एन का मान हम लोग का 50 है तो 50 हो गया, और बटा ये 2 है तो 2, और एल प्लस ए है तो एल का मान यानी वही अंतिम पद 99 है प्लस ए मतलब हम लोग का मतलब प्रथम पद तो 1 हो गया, प्रथम पद 1 है तो प्लस 1 हो गया ठीक है। अब ये देखिए 50 में हम 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 99 100 हो जाएगा और इससे गुणा होगा ठीक है, यहाँ कुछ ही नहीं है तो इसका मतलब गुणा है तो 2500 हो जाएगा ठीक है दोस्तों, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार हम लोग की 0 और 100 के बीच की जितनी भी विषम संख्या हैं उनका योग आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ दो फार्मूले हैं, केवल इन दो फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक है दोस्तों। देखिए समांतर श्रेणी में ज़्यादा फार्मूले नहीं है, केवल आपको 4-5 से फार्मूले याद करने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।